अस्सलाम वालेकुम बच्चे लोग, कैसे बेटा सब लोग। मैं आज वीडियो बनाना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं बेटा। मेरी दवा चालू है और दवा भी बता दूंगी मैं कौन सी खा रही हूँ। और एक रजनी नाम की छिनाल आई है, नई छिनाल, शायद वो पुरानी छिनाल नई छिनाल को भेज देंगी क्योंकि उसकी गाड़ में दम नहीं है कि खुद कमेंट्स करना, खुद बात करना, खुद वीडियो डालना मेरे नाम से। तो एक नई छिनाल पैदा हो गई है मार्केट में। जुमा जुमा 8 दिन 2 दिन नहीं हुआ और कोई मेरे बच्चे लोग को एक पार्सल भी मेरा नहीं मिला, ठीक है, और मैंने भेजी भी नहीं। और आपको मैं बताती हूँ एक चीज़, रुको, क्या बोलती हूँ मैं कमेंट्स में, शायद बच्चे पढ़े रहेंगे। और काफ़ी बच्चे लोग को पूछो, जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे, कितने जन ने ऑर्डर करे मेरे को। मैंने उनको बोली नहीं बेटा, 17 तारीख के बाद मेरा स्टॉक आएगा उसमें से दूंगी, 17 तारीख के बाद मेरा स्टॉक आएगा उसमें से दूंगी। तो बेटा रुक जाना, ये स्टॉक सब चला गया क्योंकि मैं किसी को कचरा बेच के ना अपना नाम नहीं खराब करना चाहती, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं। मैंने खरीदी हूँ इसका मतलब मैं किसी को भी चिपका दूँ, 10-20 रुपये कमा लूँ, नहीं। अरे भाड़ में गया, 10,000 भी मेरा लॉस्ट होएगा ना, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला है, बहुत देता है और बहुत है मेरे पास। और दूसरी बात ना बेटा, वो रंडी बोलती है इसका भी दो भी पार्सल जाता था ना तो ये वीडियो बनाती थी। तो ये रंडी के लिए, रंडी रजनी रंडी सुन ते, और सुनो इसका नंबर भी डालूंगी और इसकी आईडी भी डालूंगी। ये आके ना बैट्स कमेंट्स कर रही है, ये कौन सी रंडी पैदा करी, इसकी माँ को कितने चोट के पैदा करे, क्या नूँ। ये रंडी वो है बेटा जिसके बारे में मैं आपको बोली थी कि मेरे को फ्रॉड कर रही थी। मैं 4-5 सेलर लोग से बात कर रही हूँ ना, मेरे को नकुमंड चाहिए नकुमंड चाहिए, तो ये रंडी बोली थी मेरे को, मेरे पास है मेरे पास है। और ये रंडी ने मेरे को क्या बोली थी मैंने कि आंटी, मैं बोली ठीक है आपके पास है तो आपका कोई चैनल होगा उसका लिंक भेजो, मैं देख लेती हूँ आपके चैनल पे कौन कौन सा स्टॉक है। तो क्या बताए ना, मेरा कोई चैनल नहीं आंटी, मैंने अब तक चैनल नहीं बनाई, मैं ऐसी है ना सेल करती हूँ। तो डायरेक्ट 4,600 का कुछ बोली उसने मेरे को, जितना मेरे को चाहिए था। और क्या कर रही हूँ मैं, दूसरे दूसरे लोग की फ़ोटो नकुमंड की, बेटा आजकल नकुमंड की फ़ोटो निकालना बहुत ईजी है, कोई भी किसी का भी कॉपी कर सकता है, ठीक है। वो निकाल निकाल के फ़ोटो भेज रही, अपनी आवाज़ भी नहीं भेज रही, सिर्फ फ़ोटो भेज रही। तो मेरे को बोलती है आप एक काम करो, पे कर दो तो मैं आपका पार्सल ओके कर दूँ ना। तो मैंने ठीक है मेरा पार्सल ओके है, चलो आप मेरे पार्सल की वीडियो बनाओ छोटी सी। अरे रंडी तू भी सुन ले, तेरे बारे में बोल रही रजनी रंडी, क्या है रंडी का है ना, मैं आईडी डालती बेटा, आईडी पूरा नाम, रंडी का नाम भी नहीं मालूम है मेरे को और इसका नंबर भी डालती हूँ। और मेरे को बोली ठीक है, मैं बोली मेरा पार्सल का वीडियो डालो, 2 मिनट में आपको मैं पैसा भेजती। मैंने क्या गलत बोली। तो ये रंडी क्या बोलती मालूम है, जब तक आप पैसा नहीं भेजेंगे ना तो पार्सल वीडियो कैसा बनाओ। एक बात बताओ बेटा, 4,600 किसी को मिल रहा है तो पार्सल वीडियो क्यों नहीं बनाएगा। अगर मेरे को 400 रुपये के लिए भी बोलेंगे ना लोग कि आंटी मेरा पहले वीडियो बनाओ फिर मैं पे करूँगी, तो मैं तो बना दूंगी क्योंकि मैं सच्ची हूँ। और रंडी बोलती नहीं पहले पैसा दो, क्योंकि वो फ्रॉड रंडी थी और मेरे को फ्रॉड करना चाहती थी, और वो रंडी से मैंने नहीं खरीदी तो इसलिए से ना उसकी चूत में ना चूल उठ रही है, चूल। अगर वो पास में होती ना उसकी चूल पूरी है ना खुजली है ना, जो मेरे कुत्ते पाल रही ना उसको चढ़वा देती, ख़त्म कर देती मैं, ठीक है। ऐसे ऐसे रंडे आते और आएंगे बहुत आएंगे। और बैड कमेंट्स कर रही है वो, तो अल्लाह का शुक्र है, तू शुक्र मान ऊपर वाले का कि तू आसपास इधर बॉम्बे में नहीं रहती, तो 2 सेकंड भी नहीं लगता तेरे पास पहुंचने के लिए। और बोलती अल्लाह मेरे आदमी के बारे में क्या क्या बोल रही, मेरा आदमी इसको लाइन मार रहा बोलते, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा बोलते मेरा आदमी ने आज इतनी गाली दी उसको फ़ोन पे। तो क्या बोलते हैं नहीं भैया वो तो तुम्हारी औरत का तुम देखो ना, वो मेरे बारे में हमें को क्या हैं, आपको पता है थोड़े दिन पहले मैंने किसी का चैट डाली थी, यही फ्रॉड रंडी का डाली थी हाँ। और मेरे को क्या बोलते हैं ना, मैं मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के, सबसे पहले तू मेरे से माफ़ी मांग तो मैं ना तेरे से बात करूँगी। अरे जाए छिनाल माफ़ी, मैं किसको बोल रही रे तू माफ़ी मांगने, हाँ सपने में देखी थी क्या मैं माफ़ी मांग रही हूँ, अरे हट चल रंडी साली, 2 टक्की की राण तेरे से माफ़ी मांगूंगी। मादरचोद वो तो शुक्र अदा कर कि तू यहाँ आसपास नहीं है कहीं, पूना साइड भी रहती ना पहुँच जाती थी मैं, समझी, माफ़ी मांगूँ तेरे से। और ये बोलती 2-3 पार्सल भी उसका रहता था ना तो ये वीडियो डालती थी। मैं अभी बताती बेटा आप लोग को, रुको देखो बेटा, ये मेरी बिल्ली लोग का खाना भी रखना दुश्वार हो गया, मैं आपको बताती अभी बताती, चलेगा गिरने दो मैं बाद में कर लूँगी। देखो बेटा ये सब है ना बॉक्स, अमेजोन से मैंने महंगे महंगे में मंगाई हूँ, होल सेल में नहीं मंगाई हूँ, अमेजोन का है ये सब, ठीक है। और दूसरा बेटा ये सब स्टिकर चाहती हूँ, देखना सॉरी गिर गया हाथ से, देखो ये स्टिकर ठीक है। और बेटा ये देखो पार्सल है लोगों के, ठीक है, इतने पार्सल मैं बच्चों के पैक कर चुकी हूँ और ये बॉक्स में डालना है।
मैं बोली ना मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं डाली। ये सब है, ये सब है बच्चों का, ठीक है। मेरे को डालने का नहीं था, मैं अभी और बताती हूँ आप लोग को। ए बेटा ज़रा सही कर देना, अंदर डाल देना बेटा, वो झूठी रान है ना, वो वजह से मेरे को डालना पड़ रहा है। और दूसरी बात ना बेटा, देखो ये मेरी वो बोरी है जिसको फ्री में देना था, और मैं काफ़ी फ्री का भी ऑर्डर ले चुकी जो 90-90 रुपये का था। और बच्चे बोले आंटी हम लोग इतना पे नहीं कर सकते, इतना पे नहीं कर सकते, 1 kg नहीं खरीद सकते फ्री में, तो ये काफ़ी ख़त्म हो गया। और दूसरी बात ना बेटा, ये वाला ये पूरा है ना ग्रीटी है, पूरा गंदा है, कचरा है, ठीक है, ये मैं नहीं दूंगी। और ये वाला तो मैंने नहीं खोली, थोड़ा सा पैकिंग करी उसमें से, और ये अच्छा है, ये वाला बल्क अच्छा है। अरे देखो ये इतना पूरा, रुको मैं आपको खोल के बताती हूँ, 1 मिनट। देखो बेटा ये वाला पूरा ग्रीटी नहीं बोलूँगी मैं, पर ये मैं नहीं देना चाहती है, हार्ड क्रंच है, अच्छा है पर हार्ड क्रंच है। और ये कैसा है ना, मालूम ब्लैक होल जैसा है, पर सब लोग सॉफ्ट मांग रहे। ये पूरा मैं फेंक दूंगी, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, अभी वो 2% की रंडी रजनी नाम है उसका, आईडी डालूंगी, उसका मोबाइल नंबर भी डालूंगी। आप लोगों रंडी से पूछना कि आंटी तेरी गाड़ में और तेरा कितना पैसा खा लिया, और तेरी गाड़ में कितना डंडा डाले जो इतनी मैसेज कर रही है। वो सड़ी छिनाल गई, एक छिनाल मेरी लाइफ से, हाँ, और ये दूसरी छिनाल है। ऐसे सब बहुत सारे छिनाल पैदा होंगे, और बहुत सारे छिनाल ना सिर्फ है ना उनकी छूत में दम है मुँह से बोलने के लिए। तो मैं तो एड्रेस भी, अभी ये रंडी को भी मैंने एड्रेस भी भेजी मेरा। कोई रंडी के गाड़ में ताकत नहीं कि मेरे को उनका घर का एड्रेस भेज दे। कितना भी दूर हो नहीं पहुंची ना, तो मैं ना 10 उसकी समझूंगी, मेरी माँ ने 10 के पास जाके मेरे को पैदा कर। आप एक बात बताओ, आप लोग पैसा भेजते जो भी 200, 300, 400, हाँ बेटा, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। आप लोग का ईमानदारी का पैसा है, मेहनत का पैसा है, तो मैं आपको ऐसे कुछ भी कचरा उठा के दे दूँ, हाँ नहीं दे रही हूँ मैं। काफ़ी बच्चे लोग को, जो बच्चे लोग, ए बेटा सच बोलना कमेंट्स में आके, कितने बच्चे लोग को मैंने ये बोली कि मेरे पास स्टॉक नहीं है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी, कितने बच्चों को मैंने मना करी, इतने ऑर्डर आ रहे, और जो जो अच्छा था मैं सब पैक कर रही हूँ, और जो ख़राब था मैं क्यों दूँ मैं ख़राब दूँ बच्चे लोग को, नहीं दूँगी मैं। भले फेंक दूँगी, मेरा नुकसान हो तो फेंक दूँगी, पर मैं नहीं दूँगी, समझे। और जो 2% की रान है ना उसका आईडी भेजती हूँ, और उसका नंबर भी मैं डालती हूँ। मेरे को डालने का नहीं था पर अब डालूंगी। और कितनी फालतू बात कर रही, उसकी तो गाड़ में दम नहीं है। और क्या मालूम कहाँ की छिनाल साली 2% की रंडी, ऐसे रंडियाँ बहुत आएंगे मेरी लाइफ में, पर है ना मेरे से मुकाबला करने ना जिगर चाहिए, जिगर। ए रंडी लोग सुन लो, तुम लोग की छूत में दम है ना, मेरा है ना, मेरा पूरा एड्रेस है ना मैं डालती हूँ यूट्यूब पर, डालती हूँ मेरा पूरा एड्रेस। और तुम लोग की छूत में दम है ना, तेरे बाप ने एक डाल के पता किया ना, बच्चे लोग देखते हैं, मैं इसलिए गाली नहीं देना चाहती थी, पर बहुत रंडी लोग गाड़ में उंगली कर रहे, बहुत नहीं एक रंडी तो चली गई मुंह काला करके, उसकी गाड़ में दम नहीं था मेरे से मुकाबला करने। वो रंडी गई, वो अपने हिसाब से है, मैं अपने हिसाब से, मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया और ना ही लूँगी, वो जाने और अल्लाह जाने और मैं जानूँ मेरा खुदा जाने। और ये दूसरी रंडी आई ली, जो रंडी को मैंने 4600 पे नहीं करी क्योंकि फ्रॉड थी। और ये रंडी का मैं अभी आप लोग को नंबर सब डालूंगी बेटा। और हाँ बेटा मैं वापस से बोल रही हूँ, कितने बच्चे लोग को मैंने नकुमंड देने से मना करी कि नहीं बेटा मेरे पास अभी नहीं है, सब सेल हो गया, नहीं है अभी स्टॉक, नया स्टॉक आएगा तो मैं दूंगी। कितने बच्चे लोग को मैं बोली, मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बोलना, अगर तुम लोग ज़रा भी है ना मेरी इज्जत करते ना बेटा, अगर मैं सच्ची हूँ तो बोलना, अगर तुमको लगता है मैं झूठी हूँ तो नहीं बोलना, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़।